फेस्टिव सीजन को देखते हुए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की तरफ से विशेष ऑफर्स चलाए जा रहे हैं। ऑफर्स, डिस्काउंट्स और ग्राहकों को अपनी ओर खींचने वाली इस होड़ के बीच अमेज़न को एक भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। ये मामला 2014 का है। दिसंबर 2014 में अमेज़न ने अपनी साइट पर एक लैपटॉप महज 190 रुपए में लिस्ट किया था। इस लैपटॉप को ओडिशा के एक लॉ के छात्र सुप्रियो रंजन ने बुक किया था, लेकिन इसके बाद में अमेज़न ने ये प्रोडक्ट को उसे डिलीवर नहीं किया। इस पर वो छात्र कंज्यूमर फोरम पहुंचा, जहां उसने अमेज़न की शिकायत की। छात्र की शिकायत सुनने के बाद ओडिशा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने amazon.in को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान करने के साथ साथ खरीदार को दंडात्मक क्षति और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने के भी निर्देश दे दिए। छात्र की शिकायत और सुनवाई के दौरान बार और बेंच को ये स्पष्ट नहीं हो सका कि कंपनी ने विशेष रूप से कौन से लैपटॉप की लिस्टिंग की थी। बेंच ने माना कि कंपनी की इस लापरवाही के कारण छात्र को 22,889 रुपए का एक और लैपटॉप खरीदना पड़ा, जिसके कारण उसे अपने एजुकेशनल प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। आयोग ने फैसला सुनाया कि 23,499 रुपए की मूल वाला कीमत का लैपटॉप अमेज़न शॉपिंग वेबसाइट पर 190 रुपए में सूचीबद्ध किया गया था, और इसका मतलब ये है कि 23,303 रुपए की प्रमोशनल छूट लैपटॉप पर दी गई थी। आयोग का ये भी कहना है कि इस मामले में अमेज़न न केवल शिकायतकर्ता को उचित सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरत रहा है, बल्कि अनुचित व्यवहार भी कर रहा है, जिसके कारण उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।